आईपीएल सीजन 13 के 19वें दिन मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से था, जहां गेंदबाजों के दमदार खेल के दम पर मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर पहुंची। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस के लिए ओपनर डिकॉक और रोहित शर्मा ने 4.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े। डिकॉक ने 15 गेंदों पर 23 रन बनाए, वही कप्तान रोहित शर्मा ने 23 गेंदों पर 3 छक्के और 2 चौके लगा 35 रन बनाए। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। ईशान के बाद कृणाल पांड्या भी 12 रन बना आउट हुए, लेकिन इसके बाद छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव ने मुंबई की पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी 6 ओवर में 76 रन जोड़े। सूर्य कुमार यादव ने 47 गेंदों पर 11 चौके और 2 छक्के लगा नॉट आउट 89 रन की पारी खेली, जबकि हार्दिक पांड्या भी 19 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के के साथ 30 रन बना नॉट आउट रहे। इस तरह मुंबई इंडियंस ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 193 रन बनाए। राजस्थान के लिए श्रेयस गोपाल ने 2 विकेट छटके, जबकि जोफ्रा आर्चर, कार्तिक त्यागी और टॉम कुरेन ने 1-1 विकेट चटकाए। जवाब में उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत खराब रही। ओपनर यशस्वी जायसवाल बिना कोई रन बनाए आउट हुए। इसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ 6 और संजू सैमसन 0 पर पवेलियन लौटे। तीसरे ओवर तक ही राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 12 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। टॉप ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर भी फ्लॉप रहा। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए महिपाल लोमरोर 11 और सैम कुरेन 15 रन बना आउट हुए। सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ऑलराउंडर राहुल तेवतिया सिर्फ 5 रन बना बोल्ड हो गए। हालांकि गिरते विकेटों के बीच जोस बटलर ने 44 गेंदों पर 4 चौके और 5 छक्के लगा 70 रन की पारी खेली और अपनी टीम का स्कोर 100 रनों के पार कराया। बटलर के अलावा जोफ्रा आर्चर ने सिर्फ 11 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का लगा 24 रन बनाए। इसके अलावा राजस्थान का कोई भी बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के आगे ज्यादा देर नहीं टिक सका। इस तरह राजस्थान की पूरी टीम 18.1 ओवर में 136 रन पर ही सिमट गई और मुकाबला मुंबई इंडियंस ने 57 रन से जीता। मुंबई इंडियंस के लिए जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट झटके, जबकि ट्रेंट बोल्ट ने 2, जेम्स पैटिंसन ने 2, राहुल चहर ने 1 और किरण पोलार्ड ने भी 1 विकेट चटकाए। 47 गेंदों पर 89 रन की शानदार पारी खेलने वाले मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैन ऑफ द मैच बने।